सो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M54 स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइज जैसे कि आप सभी को पता है कि सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज इंडिया के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज है। और इस सीरीज में इससे पहले हमने जितने भी स्मार्टफोन देखे हैं वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होते हैं मिड रेंज के अंदर सैमसंग की तरफ से। अब सैमसंग गैलेक्सी M54 स्मार्टफोन इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा, जहाँ पर इस बार हमें बहुत ही कमाल के फीचर मिलने वाले हैं। चाहे बात हो इस फोन के परफॉर्मेंस, कैमरे या डिस्प्ले के बारे में, तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे M54 के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले अगर हम इस फोन के डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे आपको अप्रोक्स 6.7 इंच का फुल HD प्लस एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है, जो कि 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट पंच होल और HDR 10 प्लस के सपोर्ट के साथ आने वाला है। तो ओवरऑल डिस्प्ले गाइस आपको बहुत ही कमाल का मिलने वाला है इस बार सैमसंग गैलेक्सी M54 में। और डिस्प्ले में आपको कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी कमाल का मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। बाकी अगर हम बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में, तो गाइस इस बार इस फोन में हमें एक्सीनोज 1380 का प्रोसेसर मिलने वाला है। दोस्तों ये एक काफी अच्छा चिपसेट है जो इंडिया के अंदर हमने मिड रेंज स्मार्टफोन में अक्सर देखा है। इस चिपसेट के साथ आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है, जो कि बनवे 5 के साथ आएगा। इस फोन में हमें 6128/8/128 GB स्टोरेज वेरियंट मिलने वाले हैं। और ओवरऑल इस फोन में आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगा और डे टू लाइफ में आपको कोई भी लैग नहीं होगा इस फोन के साथ। बाकी अगर हम बात करें इस फोन के कैमरा के बारे में, तो पीछे की साइड इस बार आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलने वाला है, जहां पर मेन सेंसर 50 या 64 MP का हो सकता है और उसके साथ ही 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक 5 MP का माइक्रो सेंसर भी मिलने वाला है। और साथ ही इस फोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया जाएगा। बाकी सैमसंग के स्मार्टफोन में जितने भी कैमरा फीचर दिए जाते हैं वो सभी फीचर इस फोन में भी दिए जाएंगे। सेल्फी के लिए आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आने वाला है। तो कैमरा दोस्तों ओवरऑल आपको काफी अच्छे दिए जाएंगे इस फोन में। बाकी अगर हम इस फोन की बैटरी की बात करें, तो 6000 mAh की बैटरी और 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन आने वाला है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ भी आएगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये कुछ फीचर हमें सैमसंग के अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी M54 में मिलने वाले हैं, जो कि गाइस अभी बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर और ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। अगर हम इस फोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की बात करते हैं, तो दोस्तों इस फोन का प्राइसिंग 25 से 30 हज़ार के बजट में होने वाला है, जिसमें आपको इसका बेस वेरिएंट जो है देखने को मिल जाएगा। और ये फोन आपको मार्च महीने तक जो है लॉन्च होते हुए दिख जाएगा। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आता है इस फोन के रिगार्डिंग तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।